जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं होते थे, तो गर्मियों में नंगे पैर स्कूल जाया करता था। हालात ऐसे थे कि घर में कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था। मेरे बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में मेरे मन में भी ये आया कि भाई परिवार में सब ऐसे हो रहा है, मुझे भी जी के क्या करना। तो रियल में एक बार ऐसा ख्याल आया कि मैं भी मर जाऊँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं दिनेश बोहरा। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जिसने ज़िंदगी में स्टार्टिंग में इतना संघर्ष किया। उसने 21 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए, सब में फेल हुआ, लेकिन उसने ये ठान रखी थी कि उसे एक सरकारी अधिकारी बनना है। और उसके अगर जो घर के हालातों की बात करें तो ऐसे हालात शायद किसी के नहीं होंगे। घर के अंदर 4 लोगों ने सुसाइड कर दिया, वो मतलब ऐसे हालातों की विपरीत परिस्थितियों, ना तो खाने के लिए दाने, उसके बावजूद भी वो सुबह से शाम तक मेहनत करता था और देर रात तक पढ़ाई करता था। पढ़ाई की स्थिति ये है कि घर में लाइट का कनेक्शन नहीं था, उसके बावजूद भी उसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी कहानी को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। और आज वो ग्राम सेवक अधिकारी के रूप में पिछले 2 साल से लगा हुआ है। आइए जानते हैं गिरधर सिंह से उनकी कहानी, किस तरीके से, किन हालातों में शुरुआत हुई और उसके बाद में क्या क्या हुआ। गिरधर सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि घर के हालात कैसे थे स्टार्टिंग में, जब आपने मतलब बचपन के बाद में जब आदमी समझने लगता है उस वक्त घर के हालात क्या थे। नमस्कार सर, जब छोटा था, जब स्कूल जाने लगा था, तो उस समय मेरे पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं होते थे, तो गर्मियों में नंगे पैर स्कूल जाया करता था। उसके बाद में जब आस पड़ोस के जो भी बच्चे होते थे उनकी कोई पुरानी ड्रेस वगैरह होती थी वो पहन के स्कूल जाते थे, और थैला जो होता ना बस्ता, वो एक अंबुजा सीमेंट का जो कट्टा होता था उस कट्टे को काट कर मम्मी थैला बनाया करती थी, उसी कट्टे में काट कर बनाए उसमें हम किताबें लेकर स्कूल जाते थे, और फीस भरने के भी पैसे होते नहीं थे। स्कूल से वापस आने के बाद में कभी आइसक्रीम का ठेला लगाते थे उनके साथ जाते थे, तो कभी होटल पे जाते थे उनके साथ काम करते थे, कभी सब्जी के ठेले वाले के पास जाते थे वहाँ काम करते थे। हालात ऐसे थे कि घर में कभी खाने को होता था और कभी नहीं होता था, ऐसी स्थिति थी। बड़ा भाई था तो दोनों पैरों से विकलांग था, और पापा जी थे, पापा जी को शराब पीने की आदत थी, तो घर में एकदम कलह का माहौल वगैरह बना हुआ रहता था। और हमारे आस पड़ोस में और परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा था नहीं, तो मार्गदर्शन देने वाला और गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं था। और दूसरी तरफ पहले मैं जब समझने लगा तो मेरी दादी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में एक साचा, फिर उनके बाद में दूसरे साचा ने सुसाइड कर लिया। ये सब चीज़ें होने के बाद में पापा जी ने कहा पढ़ाई छोड़ दे और काम पर लग जा, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि पढ़ूंगा और कुछ न कुछ बन के दिखाऊंगा, तभी हमारे परिवार की ये हालत वगैरह सुधर सकती है। 8वीं गांव के स्कूल में पास की, 9th में जब पास गांव में ग्राणी गांव पड़ता, वहाँ स्कूल गया, तो दिन में काम करना पड़ता था, तो 9th में फेल हो गया। फेल होने के बाद में एक तरफ फेल हो गया और दूसरी तरफ काम वगैरह करना पड़ता था, तो एक बार पढ़ाई छोड़ने का मन आ गया, और फिर भी लगा कि वापस नहीं, अब एक बार और पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा। फिर दूसरी बार 9th में एडमिशन लिया। 10वीं में पढ़ते थे तब वापस छुट्टियाँ जब होती थी तो एक कपड़े की फैक्ट्री में जहाँ बालोतरा जाते थे, वहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करना पड़ता था, तो दिन भर एकदम हालत ख़राब हो जाती थी। और फिर भी वापस आकर छुट्टियों में जब ख़त्म होती थी तो वापस उसी कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह लेते थे और पढ़ाई करते थे। उसके बाद में जब 12वीं में और 11वीं 12वीं में पढ़ता था, उसमें भी छुट्टियों में कभी आइसक्रीम बेचने का काम करना पड़ता था, तो कभी किसी ढाबे वाले के पास जाते थे, वहाँ काम करते थे। 12वीं बाद पास करने के बाद मैं शहर में आ गया बाड़मेर, तो लेकिन यहाँ तो कोई जान पहचान वाला नहीं था, ना कोई इधर ओलखान वाला कोई था नहीं। और तो कॉलेज में यहाँ एडमिशन लिया तो एक अखबार की कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पर रात में अखबार के बंडल उठाते थे, काम करते थे, और दिन में कॉलेज जाता था। और उसके बाद में जब कोई भी कोचिंग के वगैरह कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो
कभी किसी फैक्ट्री में काम करते थे तो कभी वो अखबार के बंडल उठाते थे और एक होटल के ढाबे पर वहाँ जाते थे, 10-10 लोगों के खाना बनाते थे। दूसरी तरफ हमारे परिवार में एक और घटना घटी और बड़े भाई था, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में ऐसी स्थिति आई कि सबने कहा पढ़ाई छोड़ दे, तेरी किस्मत है नहीं, बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया। जब बड़े भाई ने सुसाइड किया तो आप पर क्या बीती, मतलब घर में एक के बाद दो, दो के बाद तीन और फिर चौथा सुसाइड, मतलब आपने, मतलब उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में ये चल रहा था कि एक तरफ तो आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, दूसरी तरफ ऐसा माहौल रहता था, और तीसरी तरफ जब परिवार में चौथे आदमी ने यानी मेरे बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया, उसके मन में मेरे मन में भी ये आया कि भाई परिवार में सब ऐसे हो रहा है, मुझे भी जी के क्या क्या करना। तो रियल में एक बार ऐसा ख्याल आया कि मैं भी मर जाऊं, मतलब सुसाइड कर लूं। फिर किसी ने कहा कि एक मेरा दोस्त था कोई प्रहलाद चौधरी, वो मैं उसने मुझे एक बार, मैंने कहा कि एक बार लिखा कि सुसाइड लेटर लिख दिया और मैंने कहा मैं, अच्छा आपने सुसाइड लेटर भी लिख दिया? सुसाइड लेटर लिख दिया और मैंने कहा मैं मर जाऊँ। जब सुसाइड लेटर लिख रहा था, आधे से ज़्यादा लिखा हुआ था, और वो मेरा दोस्त था प्रहलाद, वो साथ रहता था, वो आया, उसने कहा, उसने मेरे को, मैंने वो सुसाइड लेटर जेब में डाल दिया, पर उसने वो देखा कि क्या लिख रहा है। जब उसने लेटर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा कि नहीं गिरधर, कुछ भी हो तू मरेगा नहीं, जो भी हो। पर मैंने कहा चलो ठीक है, उसने कहा तेरी जो भी परिस्थिति है मैं। अच्छा आप बताइए, आपने अब तक कितने एग्ज़ाम फाइट की थी, उसके बाद में आपकी नौकरी कब लगी? उसके बाद में मैंने कहा एक बार मन में ठान लिया, मैंने कहा तैयारी करूँगा बस कुछ भी हो, एक बार सरकारी नौकरी लगना। उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की, तो SSC है, बैंक PO है, पुलिस है, राजस्थान ये वन रक्षक है, वन पाल है, LDC है, कई सारे एग्ज़ाम दिए। टोटल मैंने 21 एग्ज़ाम दिए और 21 एग्ज़ाम में लगातार फेल हो गया, और फेल होने के बाहर एग्ज़ाम में फेल होता था, परिवार वाले दोस्त रिश्तेदार कहने लगे कि अब तू फेल हो रहा है, तेरी किस्मत नहीं है, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन मैं पढ़ता रहा, जैसे तैसे करके लोगों को झाड़ू निकालना पड़ता था। जब कोचिंग जाते थे तो उस समय पैसे होते नहीं थे, तो जब हम रहते थे तो उनके साथ में 10-10 लोगों के खाना बनाना पड़ता था, झाड़ू निकालना पड़ता था, यहाँ तक कि मैंने बाथरूम भी अपने हाथों से साफ़ किया। और 21 एग्ज़ाम में फेल हो गया, और फिर लगा कि मैं काम पर चला जाऊँ, अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर एक बार मन में और आया कि एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ये ग्राम विकास अधिकारी का मेरा 22वां एग्ज़ाम था, और 22वें एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैं एग्ज़ाम देने के बाद में फिर काम पर चला गया था। और जब मेरा रिजल्ट आया तो उस समय मैं काम ही कर रहा था, दीपावली का दिन था, दीपावली से 3 साल पहले दीपावली के दिन मेरे भाई ने सुसाइड किया था, और उसी से ठीक 3 साल बाद दीपावली के पहले दिन मेरा रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये चीज़ हो गई। अब मतलब जो लोग आप जैसी स्टोरी काफ़ी लोगों की होती है, जो लोग संघर्ष करते नहीं हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये है कि अगर जोश बनाए रखे, जज्बा, जुनून, हिम्मत, और आपके अंदर की आग जब तक जल रही है तब तक आप कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अंदर से आपको ये फील हो गया कि यार अब मेहनत नहीं होगी, अब कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं, आपके बाहर की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कोई मायने नहीं रखती। मतलब ये गिरधर सिंह जी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि 21 बार फेल होने के बावजूद भी 22वीं बार इन्होंने आखिर वो सरकारी नौकरी को हासिल किया। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।